Hello friends, welcome to Gate Mantra. Today I am going to start algorithm for NIC recruitment 2020. Dosto, is video lecture series ke andar hum bahut zyada detailed study like proof and derivation nahi karenge. Hum selected study karenge. Jo NIC mein pucha jata hai wahi hum selected study karenge. Hamara target NIC hai. So chaliye start karte hain algorithm. Algorithm is a mathematical solution of a problem. किसी भी प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम इज ए फाइनाइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू अचीव ए रिक्वायर्ड रिजल्ट. फॉर एग्जांपल, आप टू नंबर को स्वैप करना चाह रहे हैं. सपोज यू वांट टू स्वैप टू नंबर ए और बी. तो क्या एल्गोरिथम इसके लिए होगा? स्वैप इज ए फंक्शन नेम एंड टू पैरामीटर्स लाइक ए और बी, आपको इनको एक्सचेंज करना है. तो एक टेम्परेरी आपने वेरिएबल लिया टेम्प इक्वल्स टू ए एंड ए इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू टेम्प. लाइक टेम्प एक टेम्परेरी वेरिएबल है, इसमें पहले ए असाइन किया, नाउ ए में बी एंड बी में टेम्प. सो ये टू नंबर इंटरचेंज हो जाएगा. सो ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं, ये सिंटैक्स फ्री हैं, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहा है. इट इज ए स्यूडो कोड. स्यूडो कोड, सो ये कर्ली ब्रेसेस की जगह आप बिगिन और एंड भी लिख सकते हैं. आप इक्वल टू की जगह इस तरह से सिंबल्स भी लिख सकते हैं एंड आप इक्वल टू की जगह एरो ऑपरेटर्स भी लगा सकते हैं. तो एल्गोरिथम है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं. फाइनाइट मैथमेटिकल स्टेप्स को आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. दिस इज एल्गोरिथम. सो एल्गोरिथम इट इज ए फाइनाइट मैथमेटिकल स्टेप्स एंड इट इज सिंटैक्स फ्री. इसके अंदर कोई भी सिंटैक्स नहीं, ये मैथमेटिकल स्टेप्स हैं. माय डियर, कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसके लिए एल्गोरिथम एग्जिस्ट करे. जो प्रॉब्लम जिसका एल्गोरिथम एग्जिस्ट नहीं करेगा वो कंप्यूटर से सॉल्व नहीं हो सकती. ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके लिए एल्गोरिथम नहीं लिखा जा सकता है? लाइक फीलिंग्स, कॉमन सेंस, आप इनके लिए एल्गोरिथम नहीं लिख सकते. तो कंप्यूटर भी आपने देखा होगा, कंप्यूटर फील नहीं कर पाता है, कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं है. कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिनका सॉफ्टवेयर, जिनका एल्गोरिथम आपने उसमें डाल रखा है. सो इट इज़ नॉट इक्वलेंस टू ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट एल्गोरिथम्स हैं. सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज नॉट इक्वल्स टू ह्यूमन. सो एल्गोरिथम्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम्स? कि एक बेटर एल्गोरिथम आप लिखना चाहते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सी प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गोरिथम. फर्स्ट प्रॉपर्टी, इनपुट प्रॉपर्टी. इनपुट प्रॉपर्टी ये कहता है कि इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट. इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट. सेकेंड आउटपुट प्रॉपर्टी. आउटपुट प्रॉपर्टी ये कहता है इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. एंड नेक्स्ट इज फाइनाइटनेस. एल्गोरिथम कैसा होना चाहिए? फाइनाइट. सो फाइनाइटनेस ये कहता है इट शुड टर्मिनेट विद इन फाइनाइट टाइम. सो डेफिनेटनेस क्या कहता है? एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड बी डिटर्मिनिस्टिक. एल्गोरिथम के सारे स्टेप्स डिटर्मिनिस्टिक होना चाहिए. डिटर्मिनिस्ट इज नॉट एम्बिगस. एंड नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस ये कहता है कि एवरी स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम शुड परफॉर्म समथिंग. इट मीन्स कि डोंट राइट अननेसेसरी स्टेटमेंट. कि हर एक स्टेप कुछ ना कुछ परफॉर्म करना चाहिए. यूजलेस स्टेप्स नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी स्टेप्स नहीं होने चाहिए. सो आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनपुट प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, आउटपुट का क्या मीनिंग है, फाइनाइटनेस क्या है, डेफिनेटनेस क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है. सो इनपुट इट शुड टेक जीरो और मोर इनपुट. आउटपुट इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट. टर्मिनेट विद इन फाइनाइट टाइम. नेक्स्ट इज डिटर्मिनिस्टिक. नॉट एम्बिगस स्टेप्स होने चाहिए. और एवरी स्टेप शुड परफॉर्म समथिंग. डोंट राइट यूजलेस अननेसेसरी स्टेटमेंट्स. सो ये प्रॉपर्टी है एल्गोरिथम की. नेक्स्ट देखिए कि किसी भी प्रॉब्लम को आप किस तरह से कंप्यूटर से सॉल्व करते हैं. किसी भी प्रॉब्लम का कंप्यूटर से सॉल्यूशन किस तरह से आएगा? फर्स्ट उस प्रॉब्लम का, पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है. देन उसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे. एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे आइदर यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, ग्रीडी अप्रोच और डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच.
एन एल्गोरिथम डिजाइनिंग के बाद हम उसका फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड फ्लो चार्ट इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम्स कि एक्चुअल किस तरह से इस एल्गोरिथम का फ्लो हो रहा है. देन हम इस फ्लो चार्ट का वेरिफिकेशन करेंगे एंड वेरिफिकेशन के बाद हम एनालिसिस करेंगे उसका. एनालिसिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेस. इफ टाइम ऑफ टू एल्गोरिथम इज इक्वल देन चेक स्पेस, अदरवाइज टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पेस. एंड लास्ट कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में हम जाके उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अदर सी सी प्लस प्लस जावा वॉट एवर, कोई किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप उसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन. असिम्प्टोटिक नोटेशन डिस्क्राइब द असिम्प्टोटिक रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम्स. सो देखिएगा, असिम्प्टोटिक नोटेशन आर मैथमेटिकल टूल्स टू रिप्रेजेंट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम फॉर असिम्प्टोटिक एनालिसिस. असिम्प्टोटिक एनालिसिस का मतलब उसके क्लोजेस्ट आसपास की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस. सो देर आर फाइव टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशन. इट इज कॉल्ड बिग ओ, बिग ओमेगा, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा नोटेशन. सो बिग ओ नोटेशन क्या कहता है, देखिएगा कि कोई एक फंक्शन है एफ एन और एक फंक्शन है जी एन और सी इज ए कॉन्स्टेंट, बट एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी जी एन. एफ एन फंक्शन और जी एन फंक्शन, सी यहां एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है, एफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू सी जी एन. इसका मीनिंग क्या है कि आइदर दोनों इक्वल हो सकते हैं, दोनों क्लोजेस्ट वैल्यू हो सकते हैं, या जी एन सी जी एन क्या है, इसका अपर बाउंड. तो इस केस में इस एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को बिग ओ के टर्म में आप क्या लिखेंगे, सी को कॉन्स्टेंट है इसको रिमूव कर देते हैं एंड एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी एन फॉर एन ग्रेटर देन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो. तो फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो को मीनिंग ये है कि एन की कोई लार्जेस्ट वैल्यू और उस लार्जेस्ट वैल्यू से अप टू आप इन्फाइनेट तक जाएंगे तो उन सभी जगह पे सी जी एन क्या होना चाहिए, एफ एन का अपर बाउंड. तो एफ एन की कॉस्ट को सी कॉन्स्टेंट से रिमूव कर दीजिए, ऑर्डर ऑफ जी एन लिख सकते हैं. इसका मीनिंग है कि एफ एन का, अगर ये स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग है कि एफ एन का अपर बाउंड क्या है, जी एन फंक्शन. सो नेक्स्ट इज ओमेगा नोटेशन. एफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी जी एन. इसका मीनिंग है कि एफ एन सी जी एन से ग्रेटर देन है. इसका मतलब क्या है कि सी जी एन एफ एन का क्या है, लोअर बाउंड है. तो इसमें सी को हटा दीजिए, सी इज अ कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, तो एफ एन की कॉन्स्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी को आप ये लिख सकते हैं. इसका मीनिंग क्या है, जब ये स्टेटमेंट कहीं मिले तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि एफ एन का लोअर बाउंड क्या है, जी एन फंक्शन. इट मे बी क्लोज, ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं. देखिए एक ग्रेटर देन इक्वल टू कंडीशन है, ये क्लोजेस्ट भी हो सकते हैं और ये लोअर बाउंड भी हो सकता है. इसी तरह से जी एन इसके क्लोजेस्ट भी हो सकता है और जी एन इसका अपर बाउंड भी हो सकता है. नेक्स्ट इज थीटा नोटेशन. एफ एन फंक्शन है, इसकी वैल्यू सी जी एन के इक्वल है, बोथ आर इक्वल इक्वल. तो इस केस में एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को हम क्या बोलते हैं, थीटा ऑफ जी एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन जीरो. सो इट इज टाइटली क्लोज्ड. इसका मीनिंग कि हमेशा इक्वल होगा, नॉट अपर बाउंड नॉट लोअर बाउंड, इट इज टाइटली क्लोज्ड. सो इस थीटा नोटेशन को हम बोलते हैं टाइटली क्लोज्ड नोटेशन और एवरेज नोटेशन. इट इज टाइटली क्लोज्ड, थीटा इज टाइटली क्लोज्ड. एंड इस केस में आपको अपर बाउंड्स अपर बाउंड में भी क्लोज हो सकता है और अपर बाउंड भी हो सकता है. एंड इस केस में आपका लोअर बाउंड ये इक्वल भी हो सकता है, इट में बी क्लोज्ड और लोअर बाउंड और थीटा. इट इज टाइटली क्लोज, नाइदर लोअर बाउंड नॉर अपर बाउंड, टाइटली इक्वल वैल्यू. सो टाइटली इक्वल वैल्यू आपको हमेशा क्लोजेस्ट आंसर मिलेगा. सो इट इज प्रैक्टिकली यूजफुल, मोस्ट प्रैक्टिकली यूजफुल. कंप्यूटर में हम कैसे यूज करते हैं थीटा नोटेशन को.
ये तीनों नोटेशन का यूज कुछ इस तरह से समझिएगा, मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज यू वांट टू परचेज ए मोबाइल फ़ोन, आपको एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है और उस मोबाइल फ़ोन की कॉस्ट सपोज 10,000 है, बट आपको नहीं पता कि उसकी कॉस्ट 10,000 है। आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि मुझे ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, क्या कॉस्ट होगी इस मोबाइल फ़ोन की? तो आपके फ्रेंड को अगर पता है एक्चुअल कॉस्ट, तो वो क्या कहेगा? 10,000, इट इज टाइटली क्लोज, नॉट 11,000, नॉट 9,000, आंसर इज 10,000, इट इज टाइटली क्लोज, एग्जैक्ट आंसर। सो इन दिस केस इट इज थीटा नोटेशन, बट उसको नहीं पता कि एक्चुअल कॉस्ट क्या है, तो वो एक अप्रोक्सीमेट एनालिसिस करेगा आइदर अपर बाउंड या लोअर बाउंड में। सो किस तरह से वो कहेगा कि हो सकता है कि 10,000, 11,000 या 12,000 कॉस्ट हो, 10, 11, 12 हज़ार का मोबाइल होगा, ऐसा बोल सकता है। सो 10, 11, 12 हज़ार, इसका मतलब क्या है कि इट में बी इक्वल्स टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल क्लोज्ड और अपर बाउंड 11,000 और 12,000, इट इज़ अपर बाउंड ऑफ 10,000। वो ऐसे भी कह सकता है कि हो सकता है ये 9-10 हज़ार का हो, 9 या 10,000 का हो, सो 10,000 इट हो सकता है इक्वल हो और इसके लोअर बाउंड 9 और 10,000। तो वही यूज इसका है बिग ओ नोटेशन का, कि अगर आपको आप किस तरह से अपर बाउंड एनालिसिस कर सकते हैं, इट में बी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू और अपर बाउंड, इसमें भी इट में बी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू और लोअर बाउंड, एंड इट इज एग्जैक्ट एनालिसिस, टाइटली क्लोज एनालिसिस, थीटा नोटेशन, इट इज प्रैक्टिकली टाइटली क्लोज आंसर। सो प्रैक्टिकली कंप्यूटर में इट इज वेरी यूजफुल नोटेशन, थीटा नोटेशन। नेक्स्ट इज स्मॉल ओ नोटेशन। स्मॉल ओ नोटेशन क्या कहता है? इट इज एफ एन इज लेस देन सी जी एन। इसका मीनिंग है कि एफ एन इज लेस देन सी जी एन, सी जी एन ऑलवेज अपर बाउंड होगा, इसके इक्वल कभी नहीं होगा। तो इस केस में एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को स्मॉल ओ जी एन ऑफ, इसमें केवल अपर बाउंड जनरेट होगा, इक्वल कभी नहीं हो सकता। एंड स्मॉल ओ और इस केस में ओनली लोअर बाउंड होगा, कभी भी इक्वल नहीं होगा। सो इस केस में एफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी को ओमेगा ऑफ, इन दोनों में इक्वल वैल्यू, क्लोजेस्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, केवल अपर बाउंड, केवल लोअर बाउंड। इसमें इक्वल भी मिल सकती है और अपर बाउंड भी मिल सकता है, इसमें भी इक्वल मिल सकती है और लोअर बाउंड मिल सकता है, इसमें हमेशा इक्वल वैल्यू मिलेगी। ये एक फंक्शन लिखा हुआ है 3n² + 5n + 2। आपको इस फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बताना है असिम्प्टोटिक नोटेशन के टर्म में। सो माय डियर, कॉस्ट को हमेशा किस में मेजर किया जाता है? जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री है। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? एन स्क्वायर। और ये 3 क्या है? सी। जितने भी कांस्टेंट हैं उन कांस्टेंट को आप रिमूव कर देते हैं। कॉस्ट को हम किस में मेजर करते हैं? जो हाईएस्ट कॉस्ट है, हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की। सो हाईएस्ट डिग्री क्या है? एन स्क्वायर। सो एफ एन, एफ एन मीन्स लाइक ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री क्या है? एन स्क्वायर। बाकी के सारे लोअर टर्म हैं इसमें, तो जो मैक्सिमम टर्म है उसको केवल लिखा जाता है, मैक्सिमम इज एन स्क्वायर। इसमें 3 क्या है? सी। कांस्टेंट को रिमूव कर दिया जाएगा। सो एफ एन इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। इसकी कॉस्ट को आप, इसका अपर बाउंड ऑर्डर ऑफ एन क्यूब भी हो सकता है, क्योंकि एन स्क्वायर था उसका भी अपर, एन क्यूब फंक्शन इसका अपर बाउंड है, तो ये भी लिखा जा सकता है। ऑर्डर ऑफ एन फोर भी लिखा जा सकता है, यस अपर बाउंड है, बट ऑर्डर ऑफ एन या ऑर्डर ऑफ एन की पावर 0 कॉन्स्टेंट, ये एन, ये इस फंक्शन का लोअर बाउंड है और बिग ओ क्या बताता है? अपर बाउंड। तो आप ये नहीं लिख सकते, ये आंसर नहीं होगा। सो ये तीनों करेक्ट हैं, ये तीनों ही करेक्ट हैं, बट क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है? क्लोजेस्ट इज एन स्क्वायर। तो प्रैक्टिकली यूजफुल क्या है? एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इट इज क्लोज्ड वैल्यू और ये अपर बाउंड है बट नॉट क्लोज्ड, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं, बट क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफ एन की कॉस्ट को बिग ओमेगा के टर्म में एन स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि बिग ओमेगा की डेफिनेशन क्या है? कि दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, इट इज एन स्क्वायर, 2 पॉलिनोमियल की डिग्री, ये 2 डिग्री, बाकी के सारे कॉन्स्टेंट टर्म है, स्मॉलेस्ट टर्म है, और कॉस्ट को हमेशा लार्जेस्ट टर्म में मेजर किया जाता है।
ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि इस फंक्शन के एन स्क्वायर क्या है, लोअर बाउंड है, एन भी क्या है, लोअर बाउंड है, और वन इट इज़ ऑल्सो लोअर बाउंड। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये तीनों करेक्ट हैं, बट इसका अपर बाउंड आप नहीं लिख सकते। इसका मीनिंग क्या है कि एन क्यूब इज द लोअर बाउंड ऑफ दिस फंक्शन, नो इट इज अपर बाउंड, सो इट इज रॉन्ग। बट क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, इट इज क्लोज, सो प्रैक्टिकली यूजफुल क्या है, एन स्क्वायर, बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये भी करेक्ट है, बट ये क्या है, लोअर बाउंड, और अप्रोक्सीमेट क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफ एन इक्वल्स टू थीटा ऑफ एन स्क्वायर, इट इज टाइटली क्लोज्ड, नाइदर लोअर बाउंड नॉर अपर बाउंड, सो टाइटली क्लोज है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना तो आप अपर बाउंड में लिख सकते हैं और ना ही आप लोअर बाउंड में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज टाइटली क्लोज, तो इसका आंसर केवल ये होगा, ये नहीं लिखा जा सकता। एंड स्मॉल ओ, स्मॉल ओ ओनली अपर बाउंड जनरेट करता है, तो स्मॉल ओ के केस में इसका अपर बाउंड क्या है, हाईएस्ट पॉलिनोमियल डिग्री एन स्क्वायर, इसका अपर बाउंड एन क्यूब एन फोर, तो सारे अपर बाउंड जनरेट होंगे। देखिए एफ एन का अपर बाउंड, इस फंक्शन का अपर बाउंड एन क्यू है, एन फोर है, बट टाइटली क्लोजेस्ट कभी नहीं होगा और लोअर बाउंड कभी नहीं आएगा। ये वैल्यू इसके क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट इसमें नहीं मिलेगी क्योंकि ओनली अपर बाउंड। नेक्स्ट देखिएगा स्मॉल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा में लोअर बाउंड्स इसके जनरेट होंगे, इसका लोअर बाउंड क्या है, एन वन, बट क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी और अपर बाउंड नहीं मिलेगा। स्मॉल ओ इट जनरेट ओनली लोअर बाउंड, सो यस इसका लोअर बाउंड एन स्क्वायर फंक्शन, इसका लोअर बाउंड क्या है, एन एंड इट इज वन, ये दोनों नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको आइडिया लगा होगा कि बिग ओ फंक्शन क्या जनरेट करता है, अपर बाउंड, इट मे बी क्लोज टू एक्चुअल वैल्यू, दैट इज एन स्क्वायर, इसकी भी डिग्री हाईएस्ट, एन स्क्वायर क्लोज्ड और अपर बाउंड, बट प्रैक्टिकली यूजफुल, दिस इज टाइटली, दिस इज क्लोज्ड। एंड बिग ओमेगा क्या बता रहा है, लोअर बाउंड, एफ एन इस फंक्शन का लोअर बाउंड, इट मे बी क्लोज्ड, एक्चुअल वैल्यू का क्लोज हो सकता है और लोअर बाउंड हो सकता है, बट अपर बाउंड इसमें नहीं आएगा। एंड थीटा नोटेशन, इट इज टाइटली क्लोज, टाइटली क्लोज का मतलब है कि आपको एक्चुअल वैल्यू आपको मिलेगी थीटा एन स्क्वायर, असिम्प्टोटिकली इक्वल वैल्यू मिलेगी, बट नॉट अपर बाउंड नॉट लोअर बाउंड, इट इज थीटा नोटेशन, इट इज टाइटली क्लोज, सो प्रैक्टिकली यूजफुल, कंप्यूटर में क्या यूजफुल है, थीटा नोटेशन। नेक्स्ट स्मॉल ओ, स्मॉल ओ इट जनरेट ओनली अपर बाउंड, ओनली अपर बाउंड, एन स्क्वायर था, एन क्यूब, एन फोर, इसके अंदर लोअर बाउंड नहीं आएगा और एक्चुअल वैल्यू भी नहीं मिलेगी, सो केवल अपर बाउंड जनरेट होंगे। एंड स्मॉल ओमेगा के केस में ओनली लोअर बाउंड मिलेंगे, इस फंक्शन का लोअर बाउंड पॉलिनोमियल की डिग्री, एन स्क्वायर का लोअर बाउंड एन और वन, बट एक्चुअल वैल्यू और अपर बाउंड जनरेट नहीं होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, लाइक एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस वन, एक फंक्शन दिया गया है, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस फाइव है, एफ एन इक्वल्स टू टेन टू पावर फाइव इंटू एन स्क्वायर प्लस टू की पावर टेन इंटू एन प्लस फाइव, एफ एन इक्वल्स टू एन स्क्वायर अपॉन टेन टू पावर फाइव टू एन प्लस टेन। इन सारे केस में आपको जब भी कॉम्प्लेक्सिटी बताना हो तो आपको क्या देखना है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री को पहले देखिएगा और उसके टर्म में जो मैक्सिमम डिग्री है, जो लार्जेस्ट टर्म है, उसके टर्म में कॉम्प्लेक्सिटी को आप बताते हैं। व्हाई लार्जेस्ट डिग्री, बिकॉज एन स्क्वायर के टर्म में ये वन इट इज वेरी निग्लिजिबल कॉस्ट, और ये एन स्क्वायर के टर्म में ये निग्लिजिबल कॉस्ट है। फॉर लार्जेस्ट वैल्यू के लिए हम ये चेक करते हैं, एन की वैल्यू अगर आप 10 टू पावर 10 रखेंगे तो इट इज वेरी हायर टर्म, इट इज वेरी निग्लिजिबल, और ये हायर टर्म है, ये सारा निग्लिजिबल टर्म है फॉर एन के लार्जेस्ट वैल्यू के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी को हमेशा हायर टर्म में शो किया जाता है, लार्जेस्ट टर्म में शो करते हैं। इस बात को आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं, सपोज आपको साइकिल परचेज करना है और बीएमडब्ल्यू कार परचेज करना है, आप साइकिल और बीएमडब्ल्यू कार लेने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में आपसे कोई फ्रेंड मिलता है, वो कहता है कि कहाँ जा रहे हैं आप, वेयर आर यू गोइंग, तो आप क्या कहेंगे, क्या आप ये बोलेंगे कि मैं साइकिल खरीदने जा रहा हूँ, नहीं, आप क्या बोलेंगे, बीएमडब्ल्यू कार खरीदने जा रहे हैं। वाह, ऐसा क्यों बोले, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की कॉस्ट के सामने साइकिल की कॉस्ट इज निग्लिजिबल, सो लार्जेस्ट टर्म में आप ऑलवेज कॉस्ट को बताते हैं। तो यही कहानी एल्गोरिथम में है, एल्गोरिथम में भी कॉम्प्लेक्सिटी को लार्जेस्ट टर्म में मेजर किया जाता है।
सो लार्जेस्ट टर्म इन सभी में क्या है, एन स्क्वायर एन स्क्वायर, तो सभी की कॉस्ट क्या है, आप ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिग ओमेगा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड थीटा ऑफ एन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इन जनरल बेस्ट केस इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज केस इज लेस देन इक्वल्स टू वर्स्ट केस। यहाँ बी सी का मीनिंग है बेस्ट केस, कुछ और मत समझिएगा, एंड ए सी इज एवरेज केस एंड डब्ल्यू सी इट इज अ वर्स्ट केस। तो डू यू नो बेस्ट केस, बेस्ट केस का मीनिंग है कि किसी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं तो वो मिनिमम कितना टाइम जिसमें वो सॉल्व हो जाएगी, दैट इज बेस्ट केस। एंड वर्स्ट केस का मीनिंग है कि मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा, दैट इज वर्स्ट केस। एंड एवरेज केस कि इनके बीच का जो भी आप एवरेज एनालिसिस करेंगे, दैट इज एवरेज केस। सो माय डियर, इन जनरल बेस्ट केस इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज केस इज लेस देन इक्वल्स टू वर्स्ट केस। सपोज इसके लिए जो फंक्शन है इट इज बी एन फंक्शन, इसके लिए जो फंक्शन है दैट इज ए एन फंक्शन, और यहाँ जो फंक्शन है दैट इज डब्ल्यू एन फंक्शन। सो माय डियर, इस डेफिनेशन को देखिएगा, ये डेफिनेशन क्या लिखा है, बेस्ट केस इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज केस, इसका मीनिंग है कि बेस्ट केस इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज केस। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो बेस्ट केस इज लेस देन इक्वल्स टू एवरेज केस, तो इसका मतलब है कि बेस्ट केस का अपर बाउंड क्या है, ए एन, ये दोनों इक्वल साइन है, ये इक्वल भी हो सकते हैं टाइटली क्लोज, और ए एन क्या है अपर बाउंड, तो बी एन की कॉस्ट को आप किस टर्म में, ऑर्डर ऑफ ए एन आप लिख सकते हैं। सिमिलरली यही कहानी यहाँ देखिएगा, एवरेज केस इज लेस देन इक्वल्स टू वर्स्ट केस, इसका मीनिंग है कि ये जो फंक्शन है इसका अपर बाउंड वर्स्ट केस है, और इस दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, तो आप एवरेज केस की कॉम्प्लेक्सिटी को लिख सकते हैं बिग ओमेगा ऑफ डब्ल्यू एन। एंड अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल, बेस्ट केस का अपर बाउंड एवरेज केस और एवरेज केस का अपर बाउंड वर्स्ट केस, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल आप कह सकते हैं कि बेस्ट केस का अपर बाउंड डब्ल्यू एन। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हैं कि एवरेज केस का लोअर बाउंड क्या है, बेस्ट केस, तो आप ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, एवरेज केस का लोअर बाउंड इज बेस्ट केस, तो एवरेज केस को आप लोअर बाउंड में बेस्ट केस के फॉर्म में शो कर सकते हैं, बेस्ट केस इज अ लोअर बाउंड ऑफ एवरेज केस। एंड सिमिलरली वर्स्ट केस का लोअर बाउंड क्या है, एवरेज केस, तो वर्स्ट केस का लोअर बाउंड क्या है, एवरेज केस, और एवरेज केस का लोअर बाउंड क्या है, बेस्ट केस, तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव रूल वर्स्ट केस का जो लोअर बाउंड है दैट इज बेस्ट केस। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपसे एनआईसी में पूछा जा सकता है।